किसान भाइयों राम राम, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप सब किसान भाइयों ने इस बात का सभी को जानकारी है, सब जानते हो कि इस आंदोलन को ताकत देने के लिए और पूरे देश के अंदर इस आंदोलन को ले जाने के लिए पिछले लंबे समय से एसकेएम नॉन पॉलिटिकल की लीडरशिप और केएमएम की लीडरशिप की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं लगातार, और उसने ही प्रयासों की वजह से दो तीन कार्यक्रम जो आगे आ रहे हैं उनके बारे में हम आप सबसे जानकारी देनी, आप सबको जानकारी देना उचित समझते थे। सबसे पहली बात तो ये है कि 15 सितंबर को जींद जिले के उचाणा कस्बे के अंदर अनाज मंडी के अंदर वहां पे एक बड़ी किसान महापंचायत की जा रही है, और आप सब किसान भाइयों को हमारे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप कृपया सभी किसान भाई जो इस आंदोलन को जीतना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि एमएसपी की गारंटी का कानून मिले, जो ये चाहते हैं कि किसान को लाभकारी मूल्य मिले, जो ये चाहते हैं कि किसान की कर्ज से जान छूट जाए, उसकी कर्ज मुक्ति हो जाए, और जो ये चाहते हैं कि पिछले आंदोलन की अधूरी भी मांगे जैसे किसानों के ऊपर लगे हुए मुकदमे वापस लिए जाए, लखीमपुर खीरी के हमारे पीड़ितों को इंसाफ मिले, और उन सबको हमारी हाथ जोड़ के निवेदन है कि 15 तारीख का जो कार्यक्रम दिया गया है वो पूरी ताकत से गांव गांव से घर घर से आप निकलें, उचाणा की मंडी के अंदर सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक वहां पे अपनी किसान महापंचायत की जाएगी, और इस किसान महापंचायत में पूरे देश के लीडर साहबान, साउथ के लीडर साहबान, महाराष्ट्र के लीडर साहबान, बिहार के लीडर साहबान, और इधर एमपी के लीडर साहबान, यूपी के लीडर साहबान सब आपको वहां पे दिखेंगे। आप सबसे वो अपने विचार आपके समक्ष रखेंगे। आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है, निवेदन है हमारा कि आप पूरी ताकत से इस आंदोलन में जुटने का कृपया प्रयास कीजिए, और उसके साथ साथ में भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर के हर एक वर्कर को हमारी हाथ जोड़ के निवेदन है कि जिस तरीके से आपकी ड्यूटियां लगाई गई हैं कि इस धान मंडी में आकर हमारा एक बड़ी किसान महापंचायत करने का जो कार्यक्रम दिया गया उसको सफल बनाना है, वो आपके हाथों में है भाइयों। आप सबको हमारी हाथ जोड़ के निवेदन है, पंजाब से जितने भी साथियों ने इस किसान महापंचायत में आना है उन सबको ये कार्यक्रम दिया जा चुका है कि आप सबने पहले दमदान साहिब गुरुद्वारा में आप सबके लिए लंगर खान पान की व्यवस्था की होगी, कोई भी घर से सुबह लंगर लेने के लिए देरी मत करना। आप सबने समय पे अपने अपने गांव से, अपने अपने इलाके से निकलना है, अपनी अपनी बसें लेकर निकलना है, तभी जाकर आप इस प्रोग्राम को अटेंड कर पाओगे। वो जो पंचायत शुरू होगी लगभग 11:30 बजे पंचायत शुरू हो जाएगी, इस गुरुद्वारा से, दमदान साहिब गुरुद्वारा से एक घंटे का सफर हमारा आगे बाकी है, और उसके लिए हमारे लिए ये जरूरी होगा कि ज्यादा से ज्यादा लेट हो 10:30 बजे तक हमें यहां से आगे के लिए रवाना होना पड़ेगा। इसलिए हमारा आप सबको निवेदन है, सभी भाई इस बात का ध्यान रखें कि हम इस हिसाब से आए कि उससे पहले पहले आपकी वहां पे जो खाने की हमारी व्यवस्था है वो की होगी, और आप सबने वहां से आकर खाना लेना, समय से आना है, और खाना लेकर अपनी अपनी गाड़ियां में हम सवार होकर वहां से, एक ध्यान रखना है, एक काफले के रूप में कोई भी गाड़ी आगे कोई भी गाड़ी पीछे नहीं जानी चाहिए, सब बसें एक साथ इकट्ठी करके वहां से हम लेकर चलेंगे। ये हमारा आप सबको निवेदन है, और पूरी ताकत से हम ये अपनी इस किसान महापंचायत को
सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आप सबकी जिम्मेदारी बनती है, हर एक वर्कर की जिम्मेदारी बनती है, इसको मजबूत करें ताकि आंदोलन जीत की ओर और एक कदम और आगे बढ़ सके। इसी किसके बाद 22 को पिपली गांव में भी एक किसान महापंचायत होगी, उसका भी आगे का कार्यक्रम हम आपको बताएंगे और वो भी प्रोग्राम देंगे। सो मेरा हाथ जोड़ के सभी साथियों से फिर से निवेदन है, कॉन्फ्रेंस को, इस किसान महापंचायत को सफल बनाना आप सबकी जिम्मेदारी बनती है और ये अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएं।